गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोनल की बातें। सो टाइम बच रहा है अभी 9:30 और आज फॉर्चुनेटली थोड़ा सा धूप हुआ है तो अच्छा लग रहा है। बाकी पूरे टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड थी तो आज थोड़ा सा वेदर ना नॉर्मल हुआ है और हमको 2-3 दिन में अब बैंगलोर निकलना है। तो माँ हमारे लिए अचार और बहुत कुछ बना रही है, मैं दिखाती हूँ। अभी अचार पैक हुआ है हमारा, तो ये देखो भाई तीनों पैकेट में ना अचार ही भरा है। ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट ये ना मिर्च का अचार है, लाल मिर्च का। इसमें भी मिर्च का अचार है और ये वाले में थोड़ा सा लाल मिर्च भी है और आम का भी अचार है। तो अचार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नितेश तो कम ही खाते हैं पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से घर में भी बहुत खाती थी, यहाँ पर भी माँ बिल्कुल बहुत सारा अचार बना के रखती है। और अभी दाल पिट्टी की प्रिपरेशन चल रही है बनने की, तो माँ ने ये चावल के आटे को गूंद के रख दिया है थोड़ी देर के, उसके बाद ये बनाने वाली है। वो बच्चे परेशान करते हैं ना अपने मम्मा पापा को और सबको, बड़ों को ना, उसको मॉन्स्टर उठा के लेके चला जाता है ना, इसलिए बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? और सबका बात मान के चलना। वेदू को ना मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, है ना, समझ गए हो? बिल्कुल भी मॉन्स्टर से मॉन्स्टर पकड़ के लेके चला जाएगा। और टाइम पे सोना होता है, टाइम पे खाना होता है, और बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता, घर पे जो बनता है वही खाते हैं, ठीक है? पिज़्ज़ा भी। हाँ, पिज़्ज़ा भी घर पे जब बनेगा तब खाएंगे। नहीं, ओके? मैं वहाँ खाऊंगा, बाहर। बाहर खाओगे तो मॉन्स्टर लेके चला जाएगा। नहीं भाई, ये आजकल के बच्चों को जितना समझा लो ना। क्या खा रहे हो वेदू? रेड कलर का स्ट्रॉबेरी। रेड कलर का स्ट्रॉबेरी खा रहे हो? अच्छा, ब्लू कलर का भी होता है क्या स्ट्रॉबेरी? नहीं, इसमें तो होते ही नहीं, क्या होते है, लड़का का लड़का थोड़े ना होता है। अच्छा, बस रेड कलर का होता है। हाँ। अच्छा लगता है क्या वेदू तुमको? हाँ, हाँ। कभी कभी तो खा ही सकते। हाँ, कभी कभी तो खा ही सकते हो, बिल्कुल सही। वो तो हमारी वो टूटने के लिए क्या हुआ? अब क्या हुआ, पता नहीं कहाँ। ठीक है, हम भी हो चुकी तैयार। माँ ये क्या है? ये चावल का आटा है। ठीक है, ये चावल का आटा है। पानी को बॉईल करके उसको, इसमें हल्का नमक पहले आटे में डाल दिए थे, चावल के आटे में, और उसके बाद से इसको मतलब कि खोला हुआ पानी से भून दिए थे ताकि ये फटे ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट है, मतलब एक उंगली भी प्रेस करूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं बनता और ये माँ ही अच्छे से बना पाती है। और माँ को भी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही तो मुझे मत दिखाओ, ठीक है? और माँ ये क्या, ये एक्चुअली स्टफिंग के लिए है। माँ इसमें क्या क्या है? इसमें चने की दाल है, रात को भिगो दी थी। हाँ। और सुबह इसको पीस करके, और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा को हमने हल्का रोस्ट करके, हाँ, और उसको हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, और हींग को भी हम लिया है, और नमक, हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिए है। अच्छा, ताकि उससे ना थोड़ा, हाँ, कलर आए। और अदरक भी। हाँ, अदरक से भी, हाँ, ना बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। लहसुन मिर्च का पेस्ट भी डाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे भरा जाएगा वो भी माँ भी आपको बताएंगी। तो इसकी छोटी छोटी आपने बनानी है लोई, और उसके बाद इस तरह से आपको स्टफिंग के लिए कटोरी बनानी है लोई की। और ये आप स्टफ कर रहे हो जो भी चना दाल को माँ ने पीसा और जो भी इसमें डाला है, जो आपको बताया, इसको थोड़े से लंबाई में इसको कर लेंगे हल्का। हाँ सा। आप अपना, हाँ, कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं लंबाई में, लेकिन पीठा इसी आकार में ज्यादातर बनता है। अच्छा, तो इसको ना कई लोग क्या करते हैं कि पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको, लेकिन मैं ना बंद नहीं करती हूँ इसको, इसको मैं खुला ही छोड़ती हूँ, इससे अच्छा इसका ना जो भाप आएगा ना इसका, जो तो स्टीम से बनेगा, स्टीम से जो बनेगा, हाँ, ना, हाँ, तो वो ऐसे ही ना हम थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करके ना बीच का खुला ही छोड़, खुला छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट आएगा, टेस्ट भी आएगा, हाँ, और मतलब अच्छा से पक जाता है ये। तो ये देखो, ये हमारा एक बन चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब बाकी सब भी बनने हैं। तो जब सब बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सब बन के कैसे दिख रहे हैं। तो हमारा जो पिट्ठा है ना वो बन चुका है, और ये है इडली की मशीन। इसमें मैंने ना थोड़े थोड़े से तेल लगा दिए, और उसके बाद एक एक करके सारा पिट्ठा उसमें रख दिया है, और ये बड़े से बर्तन में मैंने उसको डाल दिया थोड़े से पानी डाल के। तो अभी ये देखो, ये ना स्टीम से पक भी चुका है, और इसको ना माँ अब थोड़ी देर में निकालेंगी। तो ये देखो, मैंने माँ को दे दिया क्योंकि बहुत गर्म थी, मुझसे नहीं निकल रहे थे, तो
तो थोड़े थोड़े मैंने निकाले और अब इसके बाकी वाला माँ ऐसे करके निकाल रही है इसको और ये वाले बर्तन में रख रही। तो ये देखो इतने सारे दाल पीठे होने, और दाल पीठा ना मेरा बहुत 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 फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लो जी सबसे पहले मैं ही टेस्ट करी क्योंकि मैंने सोचा ना दिखने में इतने अच्छे लगे तो खाने में ही कितने अच्छे लगे, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो सबसे पहले मैंने ही लेके खाना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा कुछ सामान आप देख रहे हो, ये सब कुछ हम भर भर के बैंगलोर लेके जाने वाले हैं। तो इसमें है सफ़ेद तिल का लड्डू, काले तिल का लड्डू, नमकीन, शक्करपारा, और ये सारा इस बैग में हम भर के लेके जाने वाले हैं। तो वही मैं सोच रही थी सब कुछ आ जाएगा ना इसमें। ये सब कुछ होने के बाद ना माँ फिर अब ठेकुआ बनाने लगी है, तो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसके लिए हम यहाँ पे चंडीगढ़ आए थे बैंगलोर से। तो मैं बोल रही थी आप रहने दीजिए, पर वो कह रही थी नहीं तुम लोग चले जाओगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। और ये रहा चावल, ये बहुत छोटे छोटे चावल है, इसकी ना खीर मुझे बहुत पसंद है, नितेश को भी बहुत अच्छी लगती है और वेदू भी खाता है, तो इसके लिए माँ ने बोला कि ये रखी थी यहाँ पर तो अब तुम लेके चली जाओ वहाँ जब जाना तो उसके बाद बनाना। और ये आटा गूंदा रहा है भाई ठेकुआ के लिए, और इसको ना थोड़ा खस्ता मतलब खाने में ज़्यादा कड़ा ना हो इसके लिए हम ना मोइन बोलते हैं, ये है रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं। और ये देखो सांचे की हेल्प से ना इसमें डिज़ाइंस भी बन गए हैं। और उसके बाद गया ये गरम गरम तेल में, तो पहले वाला थोड़ा नितेश ने डाल दिया था बिल्कुल गरम तेल में, तो ऊपर ऊपर से जल गया था और अंदर अंदर से पका ही नहीं था। और अभी देखो ये निकल गया है तेल के बाहर, और उसके बाद ये रेडी है पैक होने के लिए। और बस सब कुछ बनने के बाद ना अभी बारी आती है पैकिंग की, तो इसमें ऑलरेडी ना कुछ सामान भर चुका है और बाकी के सामान अब हम धीरे धीरे करके रख रहे हैं। मैं वही सोची कि इसकी चेन अच्छे से बंद हो पाई कि नहीं हो पाई, तो उसमें ना एक्चुअली मिठाई भी रखनी है इसी के ऊपर। ये वाला पूरा हमारा खाने वाला ही बैग है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बस नितेश भी उधर से ना एक एक करके रखते जा रहे हैं। ले लो पकड़ो, खा लो बहुत टेस्टी है, खा लो, इसका पेट भरा है, पेट भरा है। अभी वो स्ट्रॉबेरी भी छोड़ा है और अंगूर भी छोड़ा है, सब छोड़ा है। तो खाने की पैकिंग के बाद आती है कपड़ों की पैकिंग, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ से भी कुछ कपड़े लेके गई थी और वहाँ से तो बहुत ही ज्यादा मैंने शॉपिंग की है। तो वही बस देख रही हूँ कि यार मैं सोच रही थी क्यों मैं कपड़े लेके आई वहाँ से, यार कपड़े इतने ज्यादा भर गए ना कि देखो ये देखो ऊपर ऊपर तक कपड़े आ रहे। तो कपड़े हमने इतनी शॉपिंग भी करी है ना, कपड़े जूते चप्पल, मैं जब भी आती हूँ बहुत सारा शॉपिंग करती हूँ, तो बैग वैग सब लिया है मैंने, सब भर गए हैं। अभी जितना हो सके खुद मैं पहन के चली जाऊँगी, देखती हूँ कैसे होगा। मैंने अभी मेरी ड्रेसिंग टेबल थोड़ी क्लीन कर रही थी शादी के टाइम की, ये दोनों जो मैं पाउडर है ना फेस पाउडर, ये मैं शादी के टाइम लेके आई थी, मुझे ना बहुत ही क्रेज़ था ये यार्डले का तभी। तो ये भी रेड रोज़ है और ये वाला है इंग्लिश रोज़, पर मैं इसको लेके नहीं जाऊँगी, ये यही रहेगी। पापा हमारे लिए ना ले जाने के लिए मिठाई लेके आते बहुत सारे, वेदू ने देख लिया, बोलता नहीं मुझे भी कब भी खाना है अभी खाना है, अगर वो डब्बा खोल देते ना तो फिर से उसको पैक करना पड़ता। तो अभी फिर से गया है पापा के साथ मिठाई लेके आने के लिए उसके लिए अलग से। यहाँ पे जब वेदू आया तो सारे उस पर हंस रहे थे क्योंकि ना पापा उसको हेयर कट कराने लेके गए थे, एक्चुअली उसके बाल ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, उसको भी प्रॉब्लम हो ही रही थी, बट वही उसको डर लग रहा था नहीं जाना है नहीं जाना। तो हमने सोचा नहीं यार यहाँ पे भी आएगा ना बैंगलोर तो परेशान ही करेगा, तो फिर वहीं पर पापा उसको लेके गए और अच्छा से हेयर कट उसको करा दिया, अब भी वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। और बस गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं जा रही वेदू को खाना खिलाने। बाय बाय।